हाय गाइस, वेलकम टू डिशेस हब। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रेसिपी चाइनीज़ फ्राइड राइस की। ये चाइनीज़ फ्राइड राइस मैं रात के बचे हुए चावलों से बनाऊँगी और ये इतनी जल्दी बन जाते हैं यार, 2 मिनट में बन जाते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत ही झटपट बन जाते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। मोस्टली ये सब घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना फ्राइड राइस जिसमें नूडल्स बनाते हैं, तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और उसमें डाल दिए हैं मैंने ये लंबे कटे हुए प्याज। और इसको हम सौते करेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, क्योंकि इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। थोड़ी सी पतली पतली इस तरह से काट के हम इसमें अदरक डाल देते हैं। अदरक का टेस्ट जो है वो बहुत ही मस्त आता है इसमें, इसलिए इसमें हम इसको डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसको सौते करेंगे 10 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और गाजर। आप जो मर्जी इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे कि पत्ता गोभी, स्वीट कॉर्न्स, कुछ भी आपको पसंद हो आप ऐड कीजिए, जो आपके बच्चों को पसंद हो। इसको सौते कीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले मैंने डाल दी है चिली सॉस। चिली सॉस के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। सोया सॉस मैंने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून यूज़ किया है। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें मैं नमक मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखूंगी, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं नमकीन चावल यूज़ करने वाली हूँ जिसमें ऑलरेडी नमक है। तो ये सॉसेस अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक चुटकी भर और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि सॉसेस में भी थोड़ा सा नमक रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा लिमिटेड ही डालें। आप नमक मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर नमकीन चावल यूज़ कर रही हूँ, देखिए इसमें ऑलरेडी नमक और मिर्च है। ये रात के बचे हुए चावल हैं जिसे कल तो सबने बहुत अच्छे से खाए, लेकिन आज इसे कोई भी नहीं खा रहा, इसलिए मैं इनको फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी, ये फ्राइड राइस जब मैंने बनाए तो उसके बाद इसका एक दाना भी नहीं बचा था, इतने टेस्टी बने थे ये। तो अभी हम इनको इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास सिंपल प्लेन वाइट चावल बचे हुए हैं तो आप नमक मिर्च की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। आप चाहो तो चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, जो मर्जी इसमें डाल सकते हो। मिक्स कर दीजिए इसको अच्छी तरह से, जैसे मिलता है ना रेस्टोरेंट में, बिल्कुल वैसे बनेगा। बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही सिंपल है, एनी टाइम यू कैन मेक। बच्चों का क्या है कि उनको सिंपल राइस पसंद नहीं आते हैं, आप लोग उनको ये वाले फ्राइड राइस बना के खिलाइए, ट्रस्ट मी उनको बहुत पसंद आएंगे। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं बारीक काटते हुए धनिया, जिसको मैंने पहले से ही धो के रखा था। बारीक बारीक काट दीजिए और इसमें डाल दीजिए। और इसमें डालने के बाद इसको करेंगे हम मिक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, ऑलमोस्ट इट्स रेडी। बस इसको मिक्स कर दिया और हमारे चाइनीज़ फ्राइड राइस एकदम तैयार है बनके। और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस आसान सी और एकदम डिलीशियस रेसिपी को। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।